9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि राहुल ने सोचने का समय मांगा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की नेताओं ने मांग रखी। कहा गया कि केजरीवाल समेत बड़े नेताओं के जेल में होने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की वजह से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से नुकसान हुआ है। 9 जून की शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ NDA के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। JDU के महासचिव KC त्यागी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को PM पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि नीतीश ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। नीट रिजल्ट को MP हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भोपाल जबलपुर की छात्राओं ने ये याचिका लगाई, साथ ही NSUI ने CBI जांच की मांग की है। नमामि गंगे अभियान के तहत उज्जैन महापौर, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने शिप्रा नदी की सफाई की। इस दौरान सभी ने हाथों में ब्रश लेकर घाट साफ किए। MP के डबरा में नेशनल हाईवे NH 44 पर काम कर रहे मजदूरों को ट्रक ने रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में MBA के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। ग्वालियर में BJP नेता आशीष प्रताप राठौड़ के पिता अशोक सिंह राठौड़ ने खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।